प्रदेश में भी आज से अन्न योजना शुरुआत की गई है। लोगों को बुलाकर राशन बांटने के दौरान सरकार उत्सव मना रही है, लेकिन इस उत्सव में कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिल रही है, वो है कोरोना गाइडलाइन का टूटता नियम। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लाइन है, कितनी बेतरतीब तरीके से लाइन लगी, यहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। इस तरह से उत्सव जो मनाया जा रहा है राशन बांटने का, कहीं ना कहीं बीमारी को भी ये दावत दे रहा है। इसके बीच में कुछ लोग की शिकायत भी मिल रही है कि उनको राशन नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? भैया, जिनके पास राशन कार्ड है उनको आप राशन दे रहे हो, और कई ऐसे लाचार हैं कि जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है, उनको राशन नहीं दे रहे, तो ये कोई न्याय तो हुआ नहीं? उनके बाल बच्चे नहीं है, उनके भी बाल बच्चे, उनके बाल बच्चे क्या खाएंगे? कई लंगड़े हैं, कई लूले हैं, वहाँ पंडाल में बैठी वो चल नहीं सकती है, फिर भी वो राशन के लिए लालच में आई तो ना ही कर दिए कि नहीं राशन तुमको नहीं मिलेगा समग्र आईडी पे। ये एक तस्वीर है, अन्य योजना के नाम पर लोगों का कहना है कि अन्याय हो रहा है। आप देख सकते हैं, आप लोग कब से लगे हैं लाइन में? कब से लगे हैं? 9 बजे से लाइन में लगे हैं। सुबह 9 बजे का है, नहीं तो भीड़ रहे वहाँ बैठे, यहाँ अब जा रहे हैं जी। इस तरह से दीदी आप लोग इस तरह से लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं बीमारी और फैलेगी नहीं? वही तो कह रहे हैं लाइन लगाओ, राशन वाले बोल रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरी थी जी। क्या कर सकते हैं, तो क्या कर रहे हैं? जनता ऐसे करते हैं, राशन वाले जमा कर लिए हैं, देंगे अब राशन बोल रहे हैं अभी। और कभी तो कभी पहले एक महीना का आ भी गए, अंगूठा भी नहीं लिए, और कहते तुम्हारा अंगूठा नहीं आया तो दही भी नहीं है राशन। अभी एक महीना के पहले उस महीने में हमारी राशन दिए ही नहीं, 5 किलो तो देते, वो भी नहीं दही, अब क्या करें। ये वानगी है अन्य राशन वितरण की, ये सिस्टम हमारे देश में किसी छुपा नहीं है, लेकिन सवाल है कि जिस चीज़ का उत्सव मनाया जा रहा है उसकी तैयारी कितनी है, ये उसकी व्यवस्था कैसी है, ये माकूल इंतज़ाम यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है। आप देखिए लंबी भीड़ लगी हुई है और बेतरतीब तरीके से लोग खड़े हुए हैं राशन लेने के चक्कर में। ये गरीब परिवार है, ये उम्मीद बांध के यहाँ पर आया है कि हमको राशन मिल जाए और किसी तरह हमारा महीने का जो है गुजारा चल जाए। आप देखिए राशन दुकानों में भीड़ देखिए, कहीं से कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, हर तरफ कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ये इस तरह का उत्सव यदि उत्सव कहा जाता है तो ऐसा उत्सव कभी ना। आप लोग इतने सट सट के खड़े हैं, माता जी गैप नहीं है जी, मास्क भी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। मास्क लगाते हैं लेकिन क्या है, थोड़ी दम घुटता है मेरा, हाँ इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगा सकते, सांस फूलने लगती मेरी, इसलिए। कब से खड़े हैं लाइन में? सुबह से खड़े हैं, 10 बजे से। और आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि देखिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बेतरतीब तरीके की भीड़ जो है वो सामने दिखाई देगी। आप देखिए किस तरह की भीड़ राशन दुकान के सामने लगी हुई है। मेरे साथ कुछ अधिकारी भी है। मैडम यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं करवा रहे हैं, अपन यही तो करवाने के लिए खड़े हैं। भीड़ इस तरह से उत्सव मनाया जा रहा है अच्छी बात है, लेकिन ये उत्सव और ऐसा ना हो। हाँ उन्हीं को इसीलिए लाइन पर लगवाने के लिए हम लोग यहाँ एक ऐसे इधर से लाइन बनवाना पसंद करते हैं तो आप देख सकते हैं अधिकारी भी लगे हुए हैं, हालांकि कह रहे हैं कि व्यवस्था बना रहे हैं, पुलिस कर्मी भी है सारी है, लेकिन उसके बाद जो है व्यवस्था चरमराई हुई है। कुमार इंदा, न्यूज़ 24 जबलपुर।